यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी हमलों का शिकार बनते आए यूक्रेन ने अब रूस के अंदर घुसकर हमला करना शुरू कर दिया है। हाल में यूक्रेनी सेना ने बड़ी हिमाकत दिखाते हुए रूसी बॉर्डर में घुसकर कुरस्क शहर में भीषण तबाही मचाई। रूस का कुरस्क इलाका यूक्रेन के अहम शहर खारकीव से करीब 140 किमी दूर है। ऐसा दावा है कि यूक्रेनी सेना ने इलाके में करीब 350 वर्ग किमी तक घुसपैठ कर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। उत्तर पूर्व रूस के कुरस्क में बीते चार दिनों से यूक्रेन की जबरदस्त छापे मारी जा रही है। यह रूस के किसी इलाके में यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ऐसा दावा है कि रूसी सेना इस इलाके में यूक्रेन के सैनिकों से जूझती दिखी है। इस बीच रूस ने भी बड़ा दावा कर यूक्रेनी सेना के सभी मंसूबों को खत्म करने की कोशिश की। रूस ने अपने बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आतंकवाद रोधी अभियान चलाया। रूस ने यूक्रेन के सटे तीन सीमावर्ती इलाकों में काउंटर ऑपरेशन शुरू किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कुरस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक क्रू के जरिए गोलीबारी की और हवाई हमले के कई फुटेज जारी किए। इसके अलावा रूस ने दावा किया है कि एक मिसाइल हमले में यूक्रेन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया गया है। साथ ही इस्कंदर एम कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन की 22वीं अलग मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के पहले से खोजे गए कमांड पोस्ट पर हमला किया। रूस ने दावा किया है कि इस हमले में यूक्रेन के कमांड स्टाफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। करीब 15 यूक्रेनी इसमें मारे गए हैं। रूस ने अपने भीषण पलटवार में यूक्रेन को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि कोई दया नहीं बरती जाएगी। रूसी मंत्रालय की ओर से जारी ड्रोन फुटेज में घने जंगल के बीच में कई इमारतें देखी जा सकती थी। एक यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन भी मौजूद है। फिर इमारतों में से एक में जबरदस्त धमाका हुआ। दावा है कि इसमें यूक्रेन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। धमाके से हवा में धुएं का गुबार फैल गया। बता दें कि यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक, 20 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 15 से ज्यादा टैंक के साथ रूस में धावा बोला था। उन्होंने कई गांवों पर कब्जा किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि कुरस्क में यूक्रेनी सेना को रोक दिया है। रूस के रिजर्व सैनिकों को इस इलाके में फिर से तैनात कर दिया गया है। कीव ने अब तक इलाके में करीब 1100 सैनिकों और लगभग 15 बख्तरबंद वाहनों को खो दिया है। जिस मकसद से यूक्रेन ने रूसी इलाके में घुसकर सेंधमारी की कोशिश की थी, वह अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें अब खदेड़कर बाहर किया जा रहा है। कब्जे वाले इलाके पर भीषण बमबारी कर वापस से रूस ने नियंत्रण में ले लिया है। गौरतलब है कि यूक्रेनी हमले की वजह से कुरस्क प्रांत के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के जोरदार हमले पर रूसी राष्ट्रपति ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रविवार को पहली बार रूस पर हमले की बात कबूली है। उन्होंने यूक्रेन की इस छापेमारी की निंदा करते हुए इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। यूक्रेन पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। खास बात है कि यूक्रेन ने अभी तक अपनी इस सैन्य कार्रवाई को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया है। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि घुसपैठ का मकसद रूसी आबादी में डर पैदा करना है, मॉस्को के साथ आखिरी वार्ता के लिए बेहतर से बेहतर पोजीशन हासिल करना है।